हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, किचन के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको लेके अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो तो आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ जुगाड़ लेके आए, जैसे मोजे मापे गांठ लगाओ तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। तो इन सारे जुगाड़ को आप फॉलो करिए और आपकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आइए आज के टिप्स के बारे में जानते हैं। तो आज के टिप्स के लिए फर्स्ट टिप्स है कि अगर आपके घर में चीनी है तो उसमें क्या होता है कि कुछ दिन अगर आप रखते हो तो उसमें नमी आ जाती है। चीनी में नमी ना आए इसके लिए एक खास टिप्स है जो आपकी चीनी को हमेशा ऐसे ही खिली खिली रखेगी और ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं आएगी। तो क्या है कि राजमा हर किसी के घर में नहीं होता तो आप मार्केट से थोड़ा सा परचेज करके ले आइए और 8 से 10 दाना कम से कम 1 किलो चीनी में राजमा को डाल दीजिए। उसके बाद इसको मिला दीजिए इसमें। जब भी आप यूज़ कर रहे हो, जब भी आपको चीनी को यूज़ करना हो तो बस चीनी को निकाल लीजिए और राजमा अगर आ भी जा रहा है आपके चम्मच में या फिर जहाँ भी आप यूज़ करने जा रहे हो तो राजमा को निकाल के फिर से चीनी में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कभी नमी नहीं आएगी और चीनी हमेशा ऐसे खिली खिली रहेगी। तो बस इसी तरीके से इस टिप्स को फॉलो करिए, आपकी भी लाइफ आसान हो जाएगी। तो टिप्स अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सेकेंड टिप के लिए क्या है कि अगर आपके पास भी कोई सा भी कपड़ा हो उसमें कहीं से होल हो गया हो, कट पिट गया हो थोड़ा बहुत, और उसके लिए आपको रफू कराने का टाइम नहीं है, उस पर धागा भरवाने का टाइम नहीं, या फिर आप हर चीज़ से परेशान हो, टाइम नहीं आपके पास, तो आपका टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि घर में जो नेल पेंट होता है, किसी भी कलर का नेल पेंट हो, अगर आप सेम कपड़े का नेल पेंट यूज़ करना चाहें तो सेम कपड़े का नेल पेंट यूज़ कर लीजिए, अदर कलर का चाहे तो अदर कलर का यूज़ कर लीजिए, जो भी आप अवेलेबल हो आपके पास वो यूज़ कर लीजिए। नेल पेंट क्या होता है कि नेल पेंट आप जहाँ पे भी लगा देते हो वो जल्दी से छूटता नहीं है, तो जब तक नेल पेंट नहीं छूटेगा वो जहाँ पे होल है वो ज़्यादा दिन बढ़ेगा नहीं, तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक नेल पेंट छूटेगा नहीं। तो इसको उलट करके लगाइए ताकि थोड़ा वो जो नेल पेंट लग जा रहा है वो सामने से दिखे नहीं, तो जिधर जिधर से कट है अंदर की तरफ से उसको पूरी साइड में लगा लीजिए जहाँ पे होल है। इसको आप देखिएगा कि जब तक नेल पेंट नहीं छूटेगा तब तक आपका होल और नहीं बढ़ेगा, जितना है उतने पे रुक जाएगा। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं और इसको सूखने दीजिए, उसके बाद आप यूज़ करिए, देखिएगा होल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा होगा। तो इसे अच्छे तरीके से लगा लेना। अगर आप कलरफुल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंट कलर लगा लीजिए, उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने नेल पेंट लगाया है और ज़्यादा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो बस इसे सूखने दीजिए, उसके बाद आप यूज़ करिए। और ये टिप्स थोड़ा भी पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो कैसा लगा ये टिप्स लाइक ज़रूर करें। तो चलिए थर्ड टिप्स देख लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग घर में बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनके पास ऐसे ख़राब रबर हो जाता है, गंदे हो जाते हैं, तो उनको बच्चे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए नई ला के दो तभी वो यूज़ करते हैं, क्योंकि गंदी चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं और बच्चों का भी डिमोटिवेट हो जाते हैं क्लास में। तो ऐसे अगर आपके पास बर्तन धुलने वाले स्क्रबर हो तो इसको आप ले लीजिए और इसे क्या करना है, थोड़ी देर ऐसे आप इसको रगड़िए, जैसे या तो रगमार हो आपके पास वो भी यूज़ कर सकते हैं, रगमार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी बर्तन धुलने वाले स्क्रबर से ही इसको थोड़ी देर ऐसे ही रगड़ दीजिए। ये देखिए सफ़ेदी आने लगेगी इसमें और इसकी सारी गंदगी धीरे धीरे करके झड़ के नीचे गिर जाएगी। तो ये है ना ये आसान टिप्स। और इसके बाद ऐसे थोड़ी देर, 5 मिनट तक आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, बस थोड़ा सा इसको ऐसे रगड़ दीजिए, ये पूरी तरीके से छूट जाएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, अगर रबर नया का नया हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से इससे रगड़ लीजिए, उसके बाद क्या करिए आप इसको ले जाके एक बार साबुन से भी अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर ये एकदम नए जैसे चमक जाएगा और बच्चे भी खुशी से इसे ही यूज़ करेंगे। आपको नया परचेज करके बच्चों को बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, बच्चे भी खुशी यूज़ करेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो ये टिप्स कैसा लगा आपको इसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने एक बार इसको साबुन से भी वॉश कर लिया अच्छे से और ये देखिए एकदम नया जैसा चमक गया है। तो बस बच्चे खुशी अभी इसको यूज़ करेंगे, इसको फेंकने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को नया ला के देने की आवश्यकता नहीं है। तो कमाल के हैं ना ये टिप्स। आई होप आपको ये टिप्स बहुत पसंद आया होगा और आपके बच्चों के लिए भी यूज़फुल हुआ होगा। तो इस हर एज के लोग सारे टिप्स को देख सकते हैं, अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अगला टिप्स देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी पुराना सॉक्स हो उसको क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ एक गांठ लगानी है और आपका सारा काम आसान हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपके पास बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं तो उसमें क्या है कि कुछ दिन बाद कपड़ों में नमी आने लगती है, कपड़ों से फिर स्मेल आने लगता है। तो उसके लिए क्या करना है कि कपड़े में मोजे की एक गांठ लगा के रख दीजिए, कपड़े में कभी नमी नहीं आएगी। तो क्या करना है, मोजे में थोड़ा सा आपको चावल डाल लेना है। चावल क्या करेगा कि चावल जब आप डालोगे उसमें तो चावल जो है उसकी नमी को सोख लेगा और उसमें नमी नहीं आने देगा कपड़ों में। बस क्या करना है, चावल डाल के इसमें एक गांठ लगा लेनी है आपको। गांठ लगाने के बाद आपको जो कपड़े आप हमेशा पैक करके रखते हो, जिनको डेली आप यूज़ नहीं कर रहे हो अपने बैग में, कपड़े हमेशा बैग में ही पड़े रहते हैं, डेली उनका यूज़ नहीं होता, कभी कभी यूज़ होता है, आप उसको धूप नहीं दिखा पाते हो, तो ये आप टिप फॉलो कर सकते हो। इससे आपके कपड़ों में नमी नहीं आएगी और कपड़े अच्छे बने रहेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये सारे कपड़े हैं जिन्हें मैं रेगुलर बेसिस पर यूज़ नहीं करती हूँ और ये बैग में ही ऐसे पड़े पड़े रहते हैं, तो इनमें नमी आ जाती है कुछ दिनों बाद। तो बस इन्हीं कपड़ों के बीच में जो जुराबे में गांठ लगाई है, बस वही जुराब ला के इन्हीं कपड़ों के बीच में आपको रख देना है।
उसके बाद रख के क्या करना है आपको, कहीं भी साइड में आप कपड़ों के बीच में इसको ला के, जो जुराब में आपने गांठ लगा रखी है इन्हीं कपड़ों के बीच में कहीं भी ला के आप रख दीजिए। उसके बाद क्या है कि जब भी आप इसको खोलोगे वैसे का वैसा ही कपड़ा मिलेगा जैसा कि आपने रखा था, एकदम तरोताज़ा कपड़ा रहेगा और कपड़े से कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई नमी नहीं आएगी, क्योंकि जो चावल है वो सारी नमी को सोख लेगा और उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं आने देगा। तो है ना ये कमाल की टिप्स। इसके बाद क्या करना है, आप चेन को आराम से बंद कर दीजिए, बैग को बंद कर दीजिए, फिर पड़े रहने दीजिए, कहीं भी छोड़ दीजिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आने वाली है। तो है ना ये कमाल की टिप्स। अगर आपको ये थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसके लिए भी लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगले स्टेप में देखेंगे कि क्या टिप है। तो क्या है कि कुछ लोग गैस यूज़ करते हैं तो काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपका जो बर्तन होता है उससे बाहर गैस आ रहा होता है और आपको लगता है कि खाना जल्दी बन जाएगा, खाना उससे जल्दी तो बनता है लेकिन आपका गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसके लिए क्या करना, जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो गैस को थोड़ा स्लो करके करिए ताकि वो बर्तन की पेंदी में लगे और गैस आपका ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो कैसे लगे आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हुआ तो चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बोल फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।